सीतापुर में निकाली गई साईं बाबा की पालकी व शोभा यात्रा। सरगुजा जिले के सीतापुर में आज भक्तिमय माहौल के साथ साईं प्रेमियों द्वारा साईं बाबा की पालकी और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जब हमने साईं भक्तों से बात की तो साईं प्रेमी रमेश कश्यप और मनीष अग्रवाल ने बताया कि सीतापुर के साईं मंदिर से आज शिरणी के साईं बाबा की पालकी और भव्य शोभा यात्रा सीतापुर के भगत सिंह चौक तक साईं प्रेमियों द्वारा निकाली गई। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि साईं बाबा ने जो संदेश भक्तों को दिया है, श्रद्धा और सबूरी जिसके माध्यम से भक्त बाबा साईं को पा सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। सीतापुर साईं बाबा का पालकी मंदिर से निकल के पूरा भरण पूरा सीतापुर में घुमा के साईं मंदिर में ले जाते हैं। और साईं बाबा का संदेश श्रद्धा सबूरी, काफी संख्या में भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हुए। हाँ, बहुत दूर दूर गाँव से आए हुए हैं, दुलदुला से, जसपुर से, चिरमिरी से, अंबिकापुर से, सब बहुत जगह से लोग आए हैं। कोरोना का समय था, भीड़ भाड़ पहले नहीं था, अभी बहुत अच्छा रैली निकला, कैसा बस जी। 2 साल हम लोग मंदिर में ही घुमा के रख दिए थे, भीड़ भाड़ नहीं रखे थे, अभी इस साल थोड़ा सा ज़्यादा किए हैं। ये हमारे साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा की पालकी हम सभी मिलकर सभी भक्तों के द्वारा सीतापुर साईं मंदिर से निकलते हुए और नगर भ्रमण करते हुए पुनः हम साईं मंदिर की ओर अग्रसर हैं। साईं बाबा का संदेश था श्रद्धा और सबूरी। हाँ, साईं बाबा का कहना है श्रद्धा और सबूरी रखिए, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई होंगी, कोई भी बाधाएं होंगी, वो जरूर पूरी होंगी। आप बाबा से आस्था रखिए, बाबा आपका काम जरूर पूरा करेंगे, ऐसी हमारे बाबा से हमारी आस्था है। सीतापुर से भवानी सिंह की रिपोर्ट।